कठुआ हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकवादी संगठन का नाम भले ही कश्मीर टाइगर्स हो, लेकिन हमले का तरीका गीदड़ से भी बदतर था, पूरी तरह कायराना। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने 3 अलग अलग पहाड़ियों पर छिपकर ठिकाना बनाया था। दहशतगर्दों की तादाद भी 3 की थी। ऊंची पहाड़ी से आर्मी की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर तब हमला बोला गया जब कच्चे रोड पर ऊंचाई की तरफ चढ़ते वक्त ट्रक की रफ्तार धीमी हो चुकी थी। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि जानबूझकर आतंकियों ने यह कच्ची सड़क चुनी है, क्योंकि यहां पर अक्सर वाहनों की स्पीड पर ब्रेक लग जाता, वाहन यहां से धीरे धीरे निकलते हैं। और यहां पर ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों पर ही वो 3 आतंकी छिपे हुए थे जिन्होंने इस दर्दनाक हमले को अंजाम दिया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बने 4 नए आतंकी संगठनों में से कश्मीर टाइगर्स एक है। कश्मीर टाइगर्स ने दावा किया कि उसने 26 जून को डोडा में 3 आतंकवादियों को ढेर किए जाने का कठुआ में बदला लिया। इससे पहले जम्मू के रियासी और डोडा हमले में भी इसी संगठन का नाम सामने आया था। ये जैश ए मोहम्मद का शैडो संगठन बताया जाता है। इस दहशतगर्द संगठन की शुरुआत जैश ए मोहम्मद के आतंकी रहे मुफ्ती अल्ताफ और अबू जार ने की थी। मुफ्ती अल्ताफ अनंतनाग का रहने वाला है। भले ही जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स के नाम से ली गई हो, लेकिन इसके पीछे साफ तौर पर पाकिस्तानी हाथ होने के सुराग मिल चुके हैं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि कठुआ हमले के पीछे मुखबिरी से लेकर लोकल गाइड की एक थ्योरी पर काम किया जा रहा है। दरअसल कठुआ के बिलावर इलाके के दूर दराज इलाकों में करीब दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो दशकों पहले अपना इलाका छोड़कर पाकिस्तान में जा बसे थे। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो अब पाकिस्तान इन्हीं लोगों का इस्तेमाल कर वापस कठुआ और खास तौर पर बिलावर, डोडा और उधमपुर का जो इलाका है वहां पर वापस आतंक की घटनाएं बढ़ा रहा है। एक महीने में जम्मू संभाग में हुआ ये 6ठा हमला है। कठुआ में महीने भर में ये दूसरा अटैक है। अब सवाल है कि सीमा पार के आखिर वो कौन से पाकिस्तानी इलाके हैं जहां से आतंकवादियों की खेप इस वक्त जम्मू में भेजी जा रही। पाकिस्तान से लगती करीब 150 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस तरफ पाकिस्तान के शक्करगढ़, सियालकोट और छंब के इलाके आते हैं। इनमें से सबसे अधिक संवेदनशील शक्करगढ़ का इलाका है। पाकिस्तान को काउंटर करना है तो आपको पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो जेके अंदर जो उसके लॉन्च पैड है, ट्रेनिंग एरिया, उनको बर्बाद करना पड़ेगा। पाकिस्तान के शक्करगढ़ का इलाका इस वक्त आतंकी लॉन्च पैड्स के मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय बताया जा रहा। सूत्र एबीपी न्यूज को बताते हैं कि शक्करगढ़ इलाके से ही पाकिस्तान घुसपैठ की साजिशें रच रहा है और यहां करीब 2 से 3 बड़े लॉन्च पैड हैं जहां से आतंकियों को नदी नालों के द्वारा जम्मू में भेजा जाता है। कठुआ में आतंकी अपना खेल खेल चुके, अब बारी हिसाब वसूलने की है, इसीलिए चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। संदेश साफ है कि आतंकी कहीं भी भाग लें, बच नहीं पाएंगे। इस बीच रूस से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को फिर हिंदुस्तान का आर पार वाला संदेश सुना दिया है। ऐसा पिछले 40-50 साल से भारत आतंकवाद को झेल रहा है। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे हैं। हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं।